हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राहुल गांधी ने बेणेश्वर धाम में किए 3 मंदिरों के दर्शन। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिले में पहुंचे और वहां 3 मंदिरों में दर्शन कर संतों का आशीर्वाद लिया। राहुल ने बेणेश्वर धाम में 132 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाई लेवल पुल का शिलान्यास कर आम सभा को भी संबोधित किया। सभा में राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई। राहुल गांधी दोपहर बाद उदयपुर हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी सोमवार सवेरे बेणेश्वर धाम पहुंचे। वहां से राहुल और सीएम अशोक गहलोत का काफिला वाल्मीकि मंदिर पहुंचा। वहां राहुल गांधी ने वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए। सेवादार बसंत लाल मीणा ने पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद वे कार से बेणेश्वर धाम शिवालय पहुंचे, मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। वहां से राहुल राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे। मंदिर में दर्शन और पूजा के बाद महंत अच्युतानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। राहुल ने किया पुल का शिलान्यास। उसके बाद राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने संत मावजी महाराज के संग्रहालय का अवलोकन किया। उन्होंने महंत से संत मावजी महाराज के लिखे गए चौपड़ के बारे में जानकारी ली। वहां से राहुल गांधी पुल का शिलान्यास करने पहुंचे। उन्होंने 132 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाई लेवल पुल का डेमो देखा और आम सभा को संबोधित किया। राहुल ने फिर से केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर आम और जरूरतमंद के लिए काम कर रही है, वह कभी किसी में भेदभाव नहीं करती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश को दो हिंदुस्तान में बांटना चाहती है। केंद्र की गलत नीतियों के कारण गलत जीएसटी लागू हुई और हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। यूपीए ने जो अर्थव्यवस्था दी थी उसे वर्तमान केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया और आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जागरूक टीवी के लिए डूंगरपुर से खास रिपोर्ट।